दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। हमारे चैनल पे एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो दोस्तों काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है और काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम एक ऐसे फोन के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी लिस्टिंग भी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजोन पे, ये डल चुका है। हाँ दोस्तों, ये फोन आता है सैमसंग की साइड से, सैमसंग गैलेक्सी M53 5G। हाँ दोस्तों, ये फोन बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। फीचर्स तो बहुत ही कमाल के दे रहा है, इतने कम प्राइस रेंज में इतना बढ़िया फीचर दे रहा है। मतलब बहुत सैमसंग क्या चाह रहा है यार। हो सकता है कि ये इस बार के शायद नंबर वन सेलिंग फोन भी बन जाए। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को सारी अपडेट पता लग पाए इस सैमसंग गैलेक्सी M53 के बारे में, प्राइस रेंज, लॉन्च डेट, क्या फीचर्स है, सब कुछ। तो बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज अभिरत सक्सेना एंड आई वेलकम यू ऑल एट माय चैनल ऑल इन वन अभिनव। तो यार, सबसे पहले बात कर लेते हैं सैमसंग के फोन के बारे में। तो जो सैमसंग के फोन आप लोगों ने देखे होंगे या फिर काफी ज्यादा यूजर्स का मानना रहता था कि सैमसंग के फोन हैंग करते हैं, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि अभी जो भी सैमसंग के फोन है वो हैंग नहीं कर रहे हैं। मतलब उतना ज्यादा हैंग नहीं कर रहे जितना पुराने टाइम पे करते थे, और काफी फोन तो कर भी नहीं रहे हैं। तो आप डेफिनेटली सैमसंग के फोन के साथ में जा सकते हैं और मैं रिकमेंड करूंगा इस फोन को, क्योंकि ये फोन बहुत ही ज्यादा अच्छा है इन टर्म्स ऑफ फीचर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके अंदर आने वाले प्रोसेसर के बारे में। इस फोन के अंदर आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 900 देखने को मिल जाएगा, जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक स्पीड के साथ में आएगा। दोस्तों 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक स्पीड इस फोन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। 6GB रैम वाला वेरिएंट आपको इस फोन में देखने को मिल जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करें डिस्प्ले के बारे में, तो 6.7 इंच की सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जो कि 1080x2400 पिक्सल्स के साथ में आएगी। और यहाँ पे आपको 120Hz रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन देखने को मिलेगी। गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी आपको इस फोन में देखने को मिल जाएगा। तो डिस्प्ले और परफॉर्मेंस के मामले में तो ये फोन बहुत ही ज्यादा अच्छा है और काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। वहीं पे अगर कैमरा के बारे में बात करें, तो आपको रियर साइड पे यहाँ पे क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें जो प्राइमरी कैमरा है वो 108 मेगापिक्सल का होने वाला है, जो कि एक वाइड एंगल कैमरा होगा, और फॉलोड बाय 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल मैक्रो एंड 2 मेगापिक्सल डेप्थ। तो ये चार कैमरा आपको इस फोन में देखने को मिल जाएंगे, और LED फ्लैश भी आपको बैक साइड पे देखने को मिल जाएगा। इस फोन से दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा, जो भी मेरे ब्लॉगर दोस्त हैं या जो भी मेरे वीडियो क्रिएटर हैं, कंटेंट क्रिएटर दोस्त हैं, उन लोगों के लिए काफी अच्छी बात है कि इस फोन के अंदर आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पे, यानी 30 फ्रेम पर सेकंड पे आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। वहीं पे अगर हम फ्रंट कैमरा के बारे में बात करें, तो यहाँ पे आपको 32 मेगापिक्सल का वाइड एंगल फ्रंट में कैमरा देखने को मिल जाएगा, जिससे भी आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS में। तो दोस्तों फोन काफी ज्यादा अच्छा है, और मैं इसीलिए बोल रहा था इस फोन को अच्छा है क्योंकि दोनों साइड से आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। रियर कैमरा से भी आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, फ्रंट कैमरा से भी आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। अगर मैं बात करूँ इसकी बैटरी के बारे में, तो यहाँ पे आपको एक 5000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि 25W फास्ट चार्जिंग के साथ में आएगी। USB-C टाइप आपको सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इस फोन के डिजाइन के बारे में, तो डिजाइन काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है, और सैमसंग की साइड से मतलब डिजाइन तो ऑलरेडी काफी ज्यादा अच्छे आते हैं, इनके परफॉर्मेंस भी अच्छे रहते हैं, और सैमसंग के कैमरास तो वैसे ही बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। आप लोगों को पता ही होगा सैमसंग के जो फोन अगर आप लोगों ने यूज किए हैं, तो इनके कैमरास जो होते हैं वो काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, नेचुरल होते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा कलर आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, तो काफी रियलिस्टिक इमेजेस इससे आती हैं। वहीं पे अगर हम बात करेंगे ये फोन कब लॉन्च होगा, तो दोस्तों अमेजोन पे ऑलरेडी डल चुका है, 29th of April से आपको ये फोन दिख जाएगा। 29th of April को ये फोन आपको लॉन्च होता हुआ दिख जाएगा, रिलीज डेट है इसकी। प्राइस रेंज के बारे में बात करूँ, तो 25,000 से 30,000 रुपए के प्राइस रेंज इसके रहने वाली है, अकॉर्डिंग टू वेरिएंट यहाँ पे प्राइस रेंज चेंज होगी। तो यही सारी बातें थी सैमसंग गैलेक्सी M53 के बारे में, जो कि एक 5G फोन है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।